ये देखो क्या घूम रहा है, इसको बोलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है, संडे है और आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं अपने घर से ही और निकलते हैं एक लंबी ट्रिप पर। जो भी रास्ते का व्यू होगा, जहाँ भी जाएंगे आपको सारा कुछ दिखाएंगे। ओके गाइस, देखो ये बाहर का है, घर के बाहर का मौसम तो बढ़िया हो रहा है, सुहाना हो रहा है। अगर बस बारिश ना पड़े ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बारिश पड़ेगी फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर जाना नहीं पड़ेगा। मौसम भी देखो गाइस कितना प्यारा हो रहा है आज। ये बाहर का सुबह तो देखो बादल तो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे नीचे गिरेंगे। वह जब देखो हम जब हरिद्वार जाएंगे ना, अभी सावन के महीने में, सावन सोमवार से शुरू है, जब हम जाएंगे तो ये या तो ये हमारी घोड़ी जाएगी। देखो फोनिक्स हम इसको रेडी कराएंगे। अगर दूसरी बाइक हमारी रेडी नहीं हुई ना तो इसको ही ले जाएंगे फिर हम तैयार करके। तुम सोकर उठ गए, खाना खा लिया आपने? क्यों जल्दी ले गए, लेट कर रहा है इतना। लाओ चलो भाई, देखे पसीना पसीना आ ही रहा, गर्मी इतनी पड़ रही है, पसीना ही आया और क्या होगा। गाइस गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम सीजन, इतना दो दिन से कंटिन्यू बारिश हुई है। बारिश के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा उमस हो गई है पूरी। ये देखो बाहर कितनी तेज धूप है। सुबह मौसम बढ़िया था लेकिन अब मौसम खराब हो चुका है। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं साइंस म्यूजियम और वहां पे जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसी हैं। उसकी एक वीडियो हम अपने ब्लॉग में डालेंगे और एक बनाएंगे बिल्कुल नॉलेज वाली वीडियो, वो हम डालेंगे दूसरे चैनल पे, आप उस चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ओके गाइस तो मिलते हैं, चलो साइंस म्यूजियम के अंदर। ये गाइस अंडरपास बनने से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल चुका है। ये देखो कितना बढ़िया अंडरपास बनाया है। दिल्ली में भी कई सारे अंडरपास बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। देखो ये आश्रम वाला चौक है, कितना प्यारा लग रहा है व्यू इसका, कितना प्यारा है। देखो इसे ट्रैफिक नहीं लगता बिल्कुल भी। देखो गाइस गेस्ट ट्रिपलिंग कर रहे हैं ये लोग, अभी पुलिस वाले पकड़ेंगे तो ये फिर तो गाइस साइंस म्यूजियम में थी पार्किंग फुल। फिर हमने गाड़ी खड़ी करी अपनी पुराने किले के पास, वहाँ से फिर हमने ऑटो करा साइंस म्यूजियम तक। उसने ऑटो वाले ने ले लिया हमसे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आ गए साइंस म्यूजियम। ये देखो क्या घूम रहा है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड का पृथ्वी। ये एंट्री गेट है इसका अंदर जाने का। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो यहाँ से सामने से देखो ये लाल किला दिख रहा है यहाँ पे, ये सामने लाल किला है। हेलो हेलो, ये बार ट्राई, दोबारा ट्राई करो। अब देखो मेलो दोस्तों। हमने साइंस म्यूजियम पूरा घूम लिया, आपने इस वीडियो में देखा होगा पूरा साइंस म्यूजियम दिखा दिया मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो
भैया पूरा साइंस म्यूजियम देख लिया, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। गाड़ी खड़ी है चिड़ियाघर, वहां से लेने चलते हैं। यहाँ पर हो गई थी पार्किंग पूरी फुल। देखो ये भैया गल जा रहा हूँ, देखो दिल्ली में कितना बढ़िया सिस्टम है। वहां पे जो डायनासोर था कैसे घूमा कर तुम हमारा, तो मजा आया पूरा घूमने में। घर चलते हैं और रास्ते में देखते हैं क्या कुछ खाने पीने भी कुछ खा भी लेते हैं, ठीक है। ये भैरव मंदिर है, बहुत बढ़िया। पसीना बहुत आ रहा था वहाँ पे अंदर, तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो ए सी में लगाए, ए सी है लेकिन ऊपर वाले रूम में, नीचे तो है नहीं। नीचे तो पसीने पसीना आ गया था ना पूरा। वो देखो कहाँ से चढ़ा के लेकर जा रहे हैं ऊपर से, फुटबोर्ड के बीच से, फुटपाथ से बाइक लेकर जा रहा हूँ ऊपर से। गाड़ी के पास, गाड़ी के पास जा रही है, पानी तो जाती है और मिल जाएगा। तो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से, हमारी ग्रीन लाइट भी है रोड पर। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय लिया हमने आज यहाँ पर आकर संडे वाले दिन। अब घर चलते हैं और लग रही है बहुत तेज भूख, कहीं रास्ते में कुछ दिखता है मुझे तो रोकना। ये बारापुला वाला रोड लेते हैं, ये सीधा निकालेगा मैं नोएडा, दिल्ली से डायरेक्ट नोएडा, दिल्ली टू नोएडा। बहुत अच्छा बारापुला बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा पुल बनाया। सैटरडे की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, संडे की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है। तो आज बहुत तेज भूख लग रही थी, फिर भाई ने गाड़ी रोक दी एक मार्केट में। मार्केट में हमने एक क्रंची से पराठे बनवाए, प्याज भुंजवा कर, प्याज वाले पराठे, तो इन्हें खाकर थोड़ी भूख शांत हुई। आप देख सकते हो कितने प्यारे पराठे हैं, कितने टेस्टी हैं। तुम्हारे तो बहुत तेज लगी है, देखो। हाँ क्या? मैंने चीता में देख लिया। कैसे गिर गए थे तुम? यानि बहुत तेज लगी थी, बहुत तेज लगी यानि। अब तो आज रात का डिनर स्टार्ट कर दिया है। रात के डिनर में देखो कड़ी चावल है, रोटी है, यानि चावल है, और यहाँ रखा हुआ है पानी पीने के लिए। और देखो चिराग हमें छुप छुप के देख रहा है। और अभी डिनर कर लेंगे। सुबह से हमने नाश्ते में थोड़ा बहुत खाना खाया था, उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने चले गए थे, साइंस म्यूजियम चले गए थे। साइंस म्यूजियम आए थे तो वहाँ पे कुछ खाने को अच्छा कुछ था नहीं, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर रास्ते में हमने एक रोल वगैरह खा लिया था और एक कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। और रात को बज रहे थे वो कितने 10, और हम अब कर रहे हैं यहाँ पर डिनर। और ये लैपटॉप में मूवी चल रही है, मूवी देखते देखते अपने इन्जॉय कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद फिर आपसे फिर से बात करते हैं। देखो हमारा डोको किस तरीके से डांस करता है, मतलब चलो चलो घर चलो, चल डोको नीचे, सर सो चल। तो गाइस अब हम इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब हो गई थका ना। मैंने वीडियो वगैरह भी सारी एडिट कर दी है कल, अभी नेट नहीं है मेरे फ़ोन में ज़्यादा, तो मैं कल मॉर्निंग में जैसे मुझे नया डाटा मिलेगा तो अपलोड वगैरह करने की कोशिश करता हूँ। अभी है ना इस टाइम नेट से अपलोड नहीं हो पा रही है। और देखो रात के बज रहे हैं 11:30, और हमेशा की तरह डुक्कू भी आज कुछ कहना चाहता है। हाँ बेटा बताओ कैसे।